हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आप लोग को बहुत ही ज़बरदस्त आइडिया बताने वाली हूँ। तो आपके पास कैसा भी कपड़ा पड़ा हो, आप उसका यूज कर सकते हो। तो देखिए, मैंने इसको लगा के रेडी कर लिया है। चावल की बोरी जो होती है, प्लास्टिक वाली, वो यूज की है इसके अंदर, और अस्तर और ऊपर कपड़ा लगा के रेडी कर लिया है। तो मैंने इसकी जो लंबाई और चौड़ाई ली है वो है 12x13 इंच की। तो मैंने ये 12x13 इंच के दो पार्ट लिए हुए हैं, आप भी देख सकते हो। और मैंने ये येलो कलर का कपड़ा यूज किया है। तो देखिए, एक पट्टी और ली है मैंने इसके बराबर की 20x10 इंच की। तो देखिए, इसकी जो चौड़ाई है वो 10.5 इंच की है, और जो इसकी लंबाई है वो उसके बराबर की है, जितनी जो हमारा बड़ा बड़ा कपड़ा है उसके बराबर। इसको भी हमने रेडी कर लिया है। प्लास्टिक बोरी लगाई है बीच में, और नीचे अस्तर और ऊपर कपड़ा लगा के। अब देखिए, एक और पट्टी हम लेंगे। इसकी तीन साइड में नाप लेते हैं पहले उसके नाप की, क्योंकि एक साइड की तो हमने ले ली है। अब तीन साइड की हमारी पट्टी हो रही है 45 इंच की, 45 इंच की। तो वो पट्टी भी मैंने रेडी कर ली है। तो देखिए, इसकी चौड़ाई मैंने ली है, जो हमने 10.5 इंच की पट्टी ली थी उससे 1/2 इंच कम ली है। आप 0.5 से 1 इंच तक कम ले सकते हो। तो देखिए, इसकी जो लंबाई है वो भी मैं नाप लेती हूँ। वैसे हमें टोटल चाहिए 45 इंच की। तो ये देखिए, 45 इंच तो यहाँ पर ही हो रहा है, लेकिन मैंने ज़्यादा ले लिया। जितना कपड़ा था उतना मैंने ले लिया है, फिर मैंने उसमें से कट नहीं किया। तो कम से कम आपको 1-2 इंच एक्स्ट्रा ही लेना है, लेकिन कम नहीं लेना है, क्योंकि कम की गुंजाइश नहीं रहती है। अगर ज़्यादा हो जाता तो वो कट हो जाता है। तो देखिए, जो हमारी 10.5 इंच वाली जो चौड़ाई वाली पट्टी थी, जो 9.25 इंच वाली पट्टी, उसमें हमने एक तरफ से जॉइंट कर दिया है इस तरीके से। अब सिलाई लगा देंगे, और ये करीब 1/2 इंच बड़ी है, तो एक तरफ आपको निकालना है इसको। तो ये हमने 1/2 इंच एक्स्ट्रा ली हुई है, क्योंकि इसमें हम चैन लगाएंगे, जो हमारी पतली वाली पट्टी है, बड़ी वाली पट्टी है, उसमें लंबी जो ज़्यादा 45 इंच की वाली जो पट्टी है हमारी, उसमें हम चैन लगाएंगे। और देखिए, हमने सिलाई लगा दी है। अब इसमें हमें जो बड़ा वाला पार्ट है 20x13 इंच का, उसे हमें अटैच करना है। तो देखिए, इस तरीके से सीधा हम रखेंगे एक साइड से, और देखिए इसमें हम सिलाई लगाएंगे इधर पीछे की, मतलब चारों तरफ आपको सिलाई लगा लेनी है। पाइपिंग को अटैच करते हुए मैं इसमें सिलाई लगाऊंगी। तो एक तरफ से थोड़ा थोड़ा 2-2 इंच का मैं पार्ट छोड़ दूँगी, फिर दोनों साइड से। तो देखिए, यहाँ से मैं थोड़ा से छोड़ देती हूँ, क्योंकि हम फिर बाद में एक और सिलाई लगाएंगे इसको जॉइंट करने के लिए पट्टी को। तो देखिए, मैं आलपिन जो सॉरी जो हमारी पाइपिंग वाली पट्टी है उसे साथ में रखते हुए सेट कर देती हूँ। तो देखिए, मैंने इतनी सिलाई लगा दी है, थोड़ा सा पार्ट मैंने इधर से और थोड़ा सा पार्ट मैंने उधर से छोड़ दिया है, क्योंकि एक और सिलाई हमें इधर लगानी है जॉइंट वाली। अब देखिए, जो पट्टी एक्स्ट्रा थी हमारी, वो हमने बराबर नाप रखते हुए निशान लगा दिया है इसको, जितनी हमें चाहिए। और इसको हम अब फोल्ड करके सीधी कट कर देंगे। तो देखिए, इस तरीके से आप फोल्ड करके रखोगे तो बिल्कुल सीधी कट होगी। तो इस तरीके से मैंने इसको सीधा रख दिया है, और बीच से अच्छे से और इसको कट कर दिया है। तो जो एक्स्ट्रा था, जो एक्स्ट्रा पट्टी थी, वो हमने कट कर दी है। अब इसको भी हम पहले जॉइंट कर लेते हैं, और फिर से ऊपर वाली सिलाई को अटैच करेंगे। तो ये हम बनाने वाले हैं मल्टीपर्पज़ किट, बिग साइज़ की, बहुत बड़े साइज़ की बनने वाली है। आप इसे इसमें ब्लाउज, साड़ी, या फिर सूट, या फिर जो भी आप इसमें रखना चाहो, पेटीकोट, वो आप रख सकते हो। तो देखिए, ये हमने सिलाई लगा ली है, और फिर ऊपर से पाइपिंग को अटैच करते हुए फिर से पूरी सिलाई लगा देते हैं, और फिर से फोल्ड करके एक और सिलाई लगा देंगे। तो हमारी ये पाइपिंग वाला हिस्सा है जो, वो बिल्कुल रेडी हो जाएगा। साथ के साथ में हमारी पाइपिंग भी लग गई और सिलाई भी लग गई, तो दोनों काम हो जाते हैं इस तरीके से, और सफाई भी आती है अगर दो सिलाई से आप पाइपिंग लगाते हो तो। तो देख सकते हो कितना अच्छा कॉम्बिनेशन आया है इसमें, पिंक में और येलो कलर। तो अब देखिए, ऊपर वाली पट्टी को जॉइंट करने से पहले हम लगाएंगे चैन। तो चैन मैंने ले ली है, तो चैन को पहले मैंने कट नहीं किया है, चैन को मैं कट करूँगी बाद में। तो देखिए, थोड़ा सा हमने इसको हिस्सा छोड़ दिया था, क्योंकि चैन को अटैच करने के लिए। तो
देखिए तीन साइड की जो पट्टी है उसे हमें इस तरीके से चैन को इसमें सिलना है। पहले यहाँ तक, देखिए यहाँ तक आपको सिलना है जो हमारी तीन साइड की पट्टी है। पीछे वाले हिस्से को आपको छोड़ देना है। तो मैं सीधी सिलाई लगाकर पट्टी के ऊपर और चैन को अटैच कर देती हूँ। तो आपको चैन को ज़्यादा खींचना भी नहीं है और लूज भी नहीं रखना है, मतलब नॉर्मल रखते हुए और सिलाई लगाते जाना है। नहीं तो जो आपकी जो ऊपर आप ऊपर वाला पार्ट इसमें अटैच करोगे तो वो आपका छोटा बड़ा हो जाएगा, इसीलिए तो आपको बराबर रखते हुए सिलाई लगानी है बिल्कुल। तो देखिए हमारी चैन भी अटैच हो चुकी है। अब ऊपर से एक और सिलाई लगा देंगे ताकि ये कपड़ा दब जाए अंदर की साइड में, नहीं तो ये चैन में आएगा बार बार पे और आपकी जो चैन है वो ख़राब हो जाएगी। तो देखिए इस तरीके से हम इसमें सिलाई एक और लगा देते हैं ऊपर की साइड में और फिर हम इसमें डालेंगे रनर। तो देखिए मैं इसमें डालूंगी दो रनर क्योंकि हमारी बिग साइज की किट है और अगर बड़े साइज के हमारा बैग वगैरह हो कुछ भी हो तो आपको उसमें दो रनर ही डालने चाहिए हमेशा। और देखिए एक तरफ से मैं थोड़ा सा इसे कट कर रही हूँ, इससे जो है आसानी से हमारा जो रनर है चैन का वो आसानी से डल जाता है, बहुत आसानी से डल जाता है, कोई भी दिक्कत नहीं होती है। तो मैं हमेशा ज़्यादातर ऐसे ही डालती हूँ। तो पहले मैं बड़े वाले पार्ट में डालती हूँ फिर छोटे वाले पार्ट को लेते हुए फिर इसको खींच देती हूँ रनर को, और जो एक्स्ट्रा था वो मैंने कट कर दिया है। तो दोनों तरफ मैंने थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा ही लेते हुए कट किया था। अब देखिए अगर आपकी पट्टी जो है थोड़ी बहुत बड़ी है छोटी हो तो आपको, लेकिन बराबर ही रखना है आपको। तो थोड़ी सी देखिए जो ऊपर वाली पट्टी हमारी चैन वाली वो थोड़ी सी बड़ी हो गई है चैन लगने के बाद में, तो मैंने इसको थोड़ा सा चुन्नट दे दी है हल्की सी और इसको बराबर रखते हुए सिलाई लगा दी है। अब दूसरी साइड भी हम इसी तरीके से बिल्कुल सेम रेडी कर लेते हैं। तो देखिए ये हमने रेडी कर ली है, तो इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर आप थोड़ी सी चुन्नट दे दोगे तो। तो इसी तरीके से मैंने दूसरी साइड भी रेडी कर दी है सेम। अब आ जाती है ऊपर वाले पार्ट की बारी, तो मैं इसे पहले आलपिन वगैरह से सेट करूँगी और फिर सिलाई लगाऊँगी। तो चारों तरफ से मैं सेट कर लेती हूँ पहले इसको आलपिन से। तो फ्रेंड देखिए मैंने इसको चारों तरफ से अच्छे से सेट कर दिया है आलपिन से पहले और फिर मैं बाद में इसमें अब सिलाई लगाऊंगी पाइपिंग को अटैच करते हुए। तो बिल्कुल परफेक्ट आया है ये ऊपर वाला साइज। अगर आपका छोटा या बड़ा बैठ रहा हो कोई भी, या फिर नीचे वाला या फिर ऊपर वाला, अगर आपका नीचे वाला बड़ा बैठ रहा है ना तो आप देखिए ये जो हमारी जो सिलाई लगी हुई है तो इसको आप थोड़ा थोड़ा सिलाई लगा सकते हो। वैसे मेरा बिल्कुल परफेक्ट बैठा है, कहीं से ना तो छोटा है ना ही बड़ा है। और अगर आपका पार्ट ये वाला छोटा या बड़ा हो जाता है तो, वैसे तो हमारे दोनों पार्ट बराबर थे और ये भी हमने पट्टी बराबर कट की है तो ज़्यादा बड़ा या छोटा तो होने का चांस है ही नहीं है, फिर भी हो जाता है तो आप उसे एडजस्ट कर सकते हो। तो चलिए अब मैं सिलाई लगा लेती हूँ। तो देखिए इस तरीके से मैंने सबको पूरे को अटैच कर दिया। अब पाइपिंग लगा के सिलाई लगा लेती हूँ पहले, जैसे मैंने ये वाली पाइपिंग लगाई थी उसी तरीके से मैं ऊपर वाली पाइपिंग को भी अटैच कर लेती हूँ। देखिए एक तरफ से मैंने ये पाइपिंग भी लगा दी है इस तरीके से पूरे पर चारों तरफ से। मैं इसे ऊपर की साइड में फोल्ड करके ऊपर से इस तरीके से एक और सिलाई लगा देती हूँ इस पाइपिंग की तरह सेम। और फिर यहाँ पर हम लगाएंगे एक हत्ता पकड़ने के लिए बाद में। तो देखिए ये हमने इस तरीके से पाइपिंग लगा दी है फोल्ड करके, और मैं इसे खोल के दिखा देती हूँ कितना बड़ा हमारा बैग या किट जो भी आप बोलना चाहो। आप इसे मल्टीपर्पज के लिए यूज कर सकते हो, साड़ी के लिए, ब्लाउज के लिए, पेटीकोट के लिए, लेकिन मैंने ये जो बनाई है वो मेन पेटीकोट के लिए बनाई है। लेकिन मैंने इसकी कटिंग नहीं निकाली है क्योंकि इसमें जो है दो साइड में पेटीकोट आ जाएंगे, एक साइड इधर एक साइड इधर तय बना के उसकी, तो इसीलिए मैंने इसकी कटिंग नहीं की है जो ऐसे करके तिकोनी सी होती है। मैंने सिंपल प्लेन चौकोन रख दिया है इसको। देख सकते हो कितना बड़ा हमारा किट बन चुका है। आप इसे इसमें कुछ भी रख सकते हो जो आप रखना चाहो, और ये आसानी से बन जाता है। बहुत ही बड़ी साइज की मैंने किट बनाई है ये, क्योंकि हमारे जो ब्लाउज वगैरह होते हैं बहुत सारे हो जाते हैं और पेटीकोट भी बहुत सारे हो जाते हैं। आप जो भी रखना चाहो, वेस्ट कपड़े भी रख सकते हो इसमें। और अब मैं यहाँ पर हैंगर लगा देती हूँ एक। तो देखिए हैंगर लगाने के लिए मैं इसे ऐसे करके
फोल्ड करूंगी और बीच में 20 सेंटीमीटर में निशान लगा लूंगी। तो देखिए लैंड ड्रॉ ये अपने आप ऑटोमेटिक निकल आई है क्योंकि मैंने ये ऐसे करके दबा दिया था। तो ये जो लाइन निकल आई है यहाँ पर हम हैंगर लगा देंगे। तो देखिए हैंगर लगाने के लिए मैंने जो स्ट्रिप बची हुई थी साइड की वो ले ली है मैंने। इसमें से देखिए ये 4x9 इंच का पीस कट कर लिया है, 9.5 इंच का। तो देखिए मैंने इसको इस तरीके से कुछ सिल दिया है तीनों तरफ से। तो देखिए ये जो सेंटर हमने निकाला इसका भी सेंटर हम निकालेंगे 6.5 इंच का। मैं निशान लगा देती हूँ इस तरीके से और यहाँ से देखिए मैं 2 इंच का इधर से निशान लगाऊंगी और 2 इंच का इधर से निशान लगाऊंगी और ये निशान हमने इस तरीके से सीधा लगा दिया और इसको अब हमें अटैच कर देना है। अब देखिए जो हमने अटैच जो निशान लगाया हुआ है इसके ऊपर हमें इस तरीके से सिलाई इधर और इधर लगा देनी है। तो देखिए हमने हैंगर भी अटैच कर दिया है इस तरीके से जो हमने निशान लगाया था उस तरीके से और ये हमारी किट बिल्कुल रेडी है और बिग साइज की किट है। और अगर आप लोगों को हमारी ये किट हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। तो गाइस बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में तो प्लीज़ थोड़ी सी आप भी हेल्प कीजिए और वीडियो को फुल वॉच करना। बहुत ही खूबसूरत सी देखिए कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत आया है पिंक पे येलो और हमारी किट रेडी है बिग साइज की, बहुत बड़े साइज की हो गई है। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय।